विदेशी टी20 लीग में रिटायर्ड प्लेयर्स की भागीदारी पर लगाम लगाने की तैयारी में बीसीसीआई। एनओसी के बिना भारतीय क्रिकेटर्स विदेशी लीगों में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। बीसीसीआई 7 जुलाई की मीटिंग में लेगा ये अहम फैसला। रिटायर्ड खिलाड़ियों की भागीदारी पर अपनी मौजूदा प्लानिंग पर दोबारा विचार करेगा। बोर्ड इसमें बदलाव भी कर सकता है। बीसीसीआई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इंपैक्ट प्लेयर नियम को अपडेट करने और उन्हें आईपीएल के समान बनाने पर भी विचार कर रहा है। विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना करते हुए हरभजन सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बाबर तेजी से विराट कोहली की बराबरी करने जा रहे हैं। विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना करते हुए हरभजन सिंह ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। बाबर तेजी से विराट कोहली की बराबरी करने जा रहे हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स पर अपने नेट गेंदबाजों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा है। नेट गेंदबाजों को सिर्फ 50,000 रुपए का भुगतान किया है। इन आरोपों में दावा किया गया कि नेट गेंदबाजों को उनकी सेवाओं के लिए कम पेमेंट किया गया। रिपोर्ट्स में नेट गेंदबाजों के साथ गलत व्यवहार की खबरें भी सामने आई हैं। पूर्व भारतीय खिलाड़ी अजीत आगरकर ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीसी से नाता तोड़ने के बाद आगरकर ने यह फैसला लिया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने इस बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साफ कर दिया कि आगरकर और शेन वॉटसन अब सपोर्टिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उपकप्तान शादाब खान ने दी भारत को धमकी। भारत 15 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। टीम के उपकप्तान शादाब खान ने कहा है कि मेरी राय में भले ही हम भारत के खिलाफ मैच हार जाएं, लेकिन वर्ल्ड कप जीत जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। पाकिस्तान 7 साल बाद भारत का दौरा करेगी। टीम इंडिया के गेंदबाज आर अश्विन ने जसप्रीत बुमराह की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल अश्विन का मानना है कि भारत पाकिस्तान मैच से बुमराह क्रिकेट की दुनिया में फिर वापसी कर सकते हैं। अश्विन ने बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा भी मैच के लिए फिट हो जाएंगे। हालांकि मैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में अनिश्चित हूं। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के लिए रवाना। उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने शेयर किया रवानगी का फोटो। दो टेस्ट मैचों में रहाणे को बीसीसीआई ने बनाया है उपकप्तान। अजिंक्य रहाणे के अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी फोटो शेयर की है। सिराज ने लिखा कि अगला स्टॉप लंदन। ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ी लंदन के रास्ते वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंचे। वर्ल्ड कप 2023 मैचों की मेजबानी करने वाले स्टेडियम पूरी तरह तैयार नहीं है। बीसीसीआई ने दिए 500 करोड़। बीसीसीआई ने इन स्टेडियमों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए हर स्टेडियम को 50 करोड़ देने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने 10 वेन्यू के लिए 500 करोड़ का बजट किया आवंटित। अजिंक्य रहाणे को उपकप्तान बनाए जाने पर बीसीसीआई पर भड़के पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली। कहा, बीसीसीआई का फैसला समझ से परे और हैरान करने वाला है। गांगुली ने आगे बताया कि 8 महीने बाद अचानक वापसी के बाद तुरंत रहाणे को उपकप्तान बना दिया जाना, ये मेरी समझ से बाहर है। आप जडेजा के साथ भी जा सकते थे। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी लंदन ट्रिप का वीडियो शेयर किया। वीडियो में रोहित अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। दरअसल रोहित अपने परिवार के साथ लंदन के फ्रोजन शो को देखने जा रहे हैं। उनकी बेटी काफी खुश है। वीडियो रोहित की पत्नी रितिका बना रही है। वीडियो में रोहित शर्मा की बेटी सफेद रंग की ड्रेस तो रोहित स्लेटी रंग की टी शर्ट और ब्लैक रंग का शॉर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं।